हेलो जी मिस्टर एडीएस एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस आज हमें कुछ इस तरीके की लोकेशन पे शूट करने आए थे इस ब्लॉग। एंड गाइस आपको मैंने बताया था कि मैं कुछ दिनों के बाद में गाइस एक ब्लॉग लाने वाला गाइस कॉलोनी वाला, तो आज मैं उधर साइड में आया हूँ। बट आपको गाइस इधर साइड में दिख रहा होगा पूरी तरीके से जंगल, ये कहा आ गया मैं जंगल में, बट ऐसा नहीं है गाइस, आगे साइड में कॉलोनी है, तो आपको मैं उधर साइड में लेके जाने वाला हूँ। और यहाँ से आप शायद देख पा रहे होगे, आपको इधर साइड से दिख रहा होगा या आपको गाइस पेड़ दिख रहे होगे, तो हमको इधर से घुस के जाना पड़ेगा क्योंकि गाइस मैं कॉलोनी के पीछे से वाले साइड में हूँ। आई थिंक सो गाइस, मुझे तो नहीं लगता कि मुझे एंट्री मिल जाएगी, इसलिए मैं गाइस पीछे वाले साइड से आया हूँ। और आपको गाइस दूर से ही नज़ारा दिखाऊंगा, उसके कंपाउंड वॉल के पास में लेके जाऊंगा और ऐसे आपको दिखाऊंगा। और बाकी आप चेक मार सकते गाइस, ये आपको कुछ इस तरीके से मौसम हो रहा है, देख सकते हैं आपको गाइस पूरी तरीके से गाइस काला काला मौसम दिख रहा होगा गाइस, बिकॉज मैं आप देख सकते हैं मैं कौन से वाले एरिया में अभी हूँ। इधर साइड में गाइस ऐसे आपको दिख रहा होगा, शायद बिल्डिंग दिख रही होगी। और ये आज का कुछ इस तरीके से गाइस एरिया है हमारा, आप इधर साइड में गाइस देख रहे होगे काला बादल गाइस। कल पूरे दिन गाइस पानी पानी था, तो कल तो मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाया, गाइस पूरा दिन बारिश हुआ। और आज भी गाइस मौसम वैसा ही है, अभी थोड़ी देर पहले गाइस धूप निकली थी बट अब धूप भी चली गई है। और होपफुली गाइस अगर बारिश हो गई तो हमारी वाट लगने वाली है, तो मैं ऐसा कर रहा हूँ गाइस फटाफट से वाला ब्लॉग शूट कर लेता हूँ और मैं घर की तरफ से निकल जाऊँगा, क्योंकि गाइस बारिश का कोई पता नहीं है। कल तो पूरा दिन हो गया, अगर अभी बारिश हो जाती है तो गाइस यहाँ पर रुकने के लिए कहीं पर भी जगह नहीं है, तो ऑब्वियसली गाइस मैं गीला ही होने वाला हूँ। तो इसलिए गाइस मैं फटाफट से पानी के आने से पहले मैं यहाँ से गाइस आपको दिखा देता हूँ एंड हम चलते हैं फिर घर के तरफ में, क्योंकि गाइस यहाँ पे ज़्यादा, क्योंकि आप चेक मार सकते हो गाइस ये लोकेशन आपको पूरा जंगल वाला एरिया मिल रहा होगा, क्योंकि आप इधर साइड में देख सकते हो, इधर साइड में पूरी तरीके से जंगल है। इधर साइड से गाइस मैं आया हूँ, यहाँ से रास्ता है, वो भी रास्ता नहीं बोल सकते उसको भी, झाड़ियों से आया मैं। वहाँ पे आप दिख रहे होगे पानी की टंकी दिख रहे होगी गाइस कॉलोनी वालों की, तो मैं आपको थोड़ा सा पास में लेके जाऊँगा। पास में ले जाने के लिए गाइस यहाँ से रास्ता है, तो सबसे पहले मैं इधर साइड में जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ गाइस। पहले तो यहाँ से देख सकते हैं इधर साइड से रास्ता है, तो ये पेड़ के नीचे से हमको जाना पड़ेगा, तो मैं जाता हूँ उधर साइड में सबसे पहले। एंड गाइस काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि गाइस मैं डायरेक्ट कॉलोनी के अंदर में जाके बना लूँ ब्लॉग, बट ऐसा नहीं हो पाया गाइस, तो इसलिए मैं आज बाहर से ही बना रहा हूँ। और मौसम का गाइस हमको सबसे पहले ध्यान रखना है, क्योंकि कल पूरा दिन बारिश हुआ गाइस, और कल का दिन और आज ज़्यादा ठंडी भी लग रही है। कल तो गाइस काफ़ी ज़्यादा ठंडी थी क्योंकि पानी आ रहा है, ऊपर से जो अभी मौसम चल रहा है गाइस वो है ठंडी का मौसम है, तो कल भी काफ़ी ज़्यादा ठंडी लगी और आज भी ठंडी लग रही थी, तो इसलिए मैं अपना जो जॉकेट है वो भी लेकर आ गया हूँ। और ऐसी कुछ रास्ता है गाइस, ये आप इधर साइड में देख सकते हो, आपको शायद दिख रहा होगा, मैं इधर साइड से दिखाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कि इस कॉलोनी हम काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है कॉलोनी के, और ये कुछ इस तरीके की लोकेशन है। यहाँ पे गाइस तालाब है और मैं साइड वाले एरिया में हूँ गाइस, आगे से उसका एंट्रेंस गेट है वहाँ पे उधर साइड से, और ये साइड वाला एरिया है, यहाँ पे भी एक तालाब दिख रहा होगा आपको, और ये वाला भी तालाब ही है। और यहाँ से गाइस मैं अभी जंगल वाले एरिया से यहाँ थोड़ा सा पास में जाता हूँ, थोड़ा सा बिल्डिंग के पास से, मैं बिल्डिंग के पास तो नहीं बोल सकते, कंपाउंड वॉल के पास में जाऊँगा और आपको वहाँ से दिखाऊँगा गाइस एक कॉलोनी का व्यू। तो हम पहले सबसे पहले आगे चले जाता हूँ और आपको दिखा देता हूँ, नहीं तो गाइस ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा बड़ा बन जाएगा। गाइस मैं अभी कॉलोनी के पास में पहुँच गया हूँ, इधर साइड से आया हो गाइस, आप देख सकते हो, इधर से मैं आपको रास्ता दिखा देता हूँ, ये इधर साइड से ऐसा रास्ता है। और ये गाइस तालाब, तालाब काफ़ी गाइस खूबसूरत है, यहाँ पे मछलियाँ भी हैं। मैं इसके पहले भी गाइस इधर साइड में आया था जब ये कॉलोनी बन रही थी, आप इधर साइड से एरिया चेक मार सकते हो गाइस। और आप वेदर देख सकते हो, आई थिंक सो आपको ठीक से दिख रहा होगा गाइस, आपको आपको चारों तरफ गाइस काले बादल दिख रहे होंगे, देख सकते हैं इधर साइड में ये हमारा मोबाइल एरिया है, यहाँ पे आपको पहाड़ी दिख रही होगी। और इधर साइड में गाइस ये भी एक तालाब है नीचे में, इधर साइड से नीचे से ही पूरा पानी, पहले गाइस तालाब नहीं हुआ करता था, यहाँ पे अच्छा खासा गाइस ज़मीन थी, आप देख सकते हैं ये हालत। और आगे में आपको बिल्डिंग्स दिख रही होगी, यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से मैं थोड़ा सा और आगे जाने की कोशिश करता हूँ और आपको बिल्डिंग के पास में लेके जा सकता हूँ गाइस। अभी मैं अभी तो कंपाउंड वॉल के पास में तो पहुँच गया, आगे में कंपाउंड वाले कॉलोनी का, और यहाँ से मैं एंटर नहीं कर सकता गाइस क्योंकि ये साइड वाला एरिया है, तो इधर साइड में कोई भी गेट नहीं है, तो ये कंपाउंड वॉल के पास में पहुँच गया हूँ। तो यहाँ पे कुल मिला के गाइस कुछ 22 बिल्डिंग हैं, एक फ्लैट में आई थिंक सो 10 परिवार रहते हैं, तो आप उसके हिसाब से काउंट कर सकते हो कि हैं कितने लोगों की यहाँ पे जगह है। और ये गाइस जो क्वार्टर्स है ये मोबाइल के क्वार्टर्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया गाइस मोबाइल वाला एरिया, तो ये गाइस ये सभी मोबाइल के क्वार्टर्स हैं। और आप इधर साइड से देख सकते हो गाइस, ये आ गया कॉलोनी, यहाँ से देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा शायद, मैं यहाँ से गाइस कंपाउंड वाला है ये वाला, ये मार देख सकते हैं। और इधर साइड से आपको दिख रहा होगा शायद, आई थिंक सो गाइस यहाँ पे आगे से दिख रहा होगा, यहाँ से आपको दिख रहा होगा पूरा कॉलोनी वाला एरिया। और इससे आगे तो गाइस हम नहीं जा सकते क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं इधर साइड में पूरा प्रोटेक्शन लगाया हुआ है इन्होंने। और ये कुछ इस तरीके से कंपाउंड वाले कॉलोनी का, और ये है आगे में आपको कुछ बिल्डिंग दिख रही होगी, सो ये देख सकते हैं यहाँ से बिल्डिंग है, उसकी पानी टंकी आगे में है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा शायद से, ये
इधर साइड में पूरा कॉलोनी है, यहाँ से स्टार्ट होता है गैस और आगे तक के टोटल यहाँ पे 22 बिल्डिंग्स हैं। एक फ्लैट में गैस 10 परिवार लग रहते हैं। अब आप हिसाब लगा सकते हो कि ये एक बिल्डिंग में गैस 10 लोग 10 परिवार रहते हैं, उसके हिसाब से आप यहाँ पे काउंट कर सकते हो। और आज का गैस ये है कुछ इस तरीके से लोकेशन, आप इधर साइड से चेक मार सकते हो गैस, ये है कुछ इस तरीके से कॉलोनी का लुक। मैं आपको ठीक से और एक बार दिखा देता हूँ गैस कॉलोनी वाला, आपको एक एक बिल्डिंग तो थोड़ा पास में कैमरा करके मैं दिखाता था। सबसे पहले तो गैस अब आपको ठीक से दिख रहा होगा गैस, यहाँ से आप देख सकते हैं पानी टंकी दिख रही है और यहाँ से बिल्डिंग चालू हो जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे पेड़ आड़े आ गया और इधर से आप देख पा रहे होंगे गैस, मैं आपको थोड़ा सा ऊपर लेके चलता हूँ और आगे मैं आपको बिल्डिंग्स दिख रही होगी, ये वहाँ तक की बिल्डिंग्स है गैस। और ये एरिया कुछ इस तरीके से है, यहाँ चेक मार सकते हो। बादल देख सकते हैं गैस काफ़ी ज़्यादा काले काले हो गए हैं। इधर साइड में आपको मॉयल एरिया दिख रहा होगा, वो देख सकते हैं। और ये है गैस नीचे में आप तालाब देख पा रहे होंगे, यहाँ से ये गैस कॉलोनी का चालू हो जाता है। और जितनी भी बिल्डिंग्स है गैस, और कैसे जितनी भी बिल्डिंग है कैसे मॉयल की बिल्डिंग है, जैसे कि मैंने बताया था गैस आपको सरकारी नौकरी वाला, तो उन्हीं के क्वार्टर्स है यहाँ पर ये सभी। और एक गांव से थोड़ा सा बाहर साइड में है काफ़ी, पर अच्छा लगता है इधर साइड में गैस, पूरा सिटी वाला वाइब आता है क्योंकि उधर साइड में पूरा गांव बसा है। और इधर साइड में गैस इस तरीके के बिल्डिंग्स हैं, 3 मंजिल की गैस एक बिल्डिंग है और इस हिसाब से 22 बिल्डिंग है टोटल। तो इस तरीके के यहाँ से व्यू दिखता है गैस, व्यू काफ़ी गैस अंदर से काफ़ी अच्छा लगता है। पहले गैस काफ़ी इसको बने हुए गैस 7-8 साल हो गए थे, 7-8 साल तो हो गए गैस, पहले जैसी नहीं दिखती अभी। और आज का गैस यहाँ से देख सकते हैं, ये वाला गैस व्यू काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को। तो इधर साइड में आप देख रहे होंगे यहाँ से पूरी बिल्डिंग्स हैं, आई थिंक सो गैस आपको कैमरा में ठीक से दिख रहा होगा। ये आज का कुछ इस तरीके का गैस व्यू है। यहाँ पे गैस पानी है, पानी में गैस मछलियाँ भी रहती हैं। इधर साइड में गैस मैं फ़ोटो शूट के लिए आया था, बहुत बार आ गया गैस मैं इधर साइड में घूमने के लिए। पहले आता था गैस जब ये बिल्डिंग्स बनना चालू थी ना, बिल्डिंग्स बनना चालू थी तो यहाँ पे काम वगैरह भी करते थे हमारे कुछ घर के पास में से लोग, और इवन मेरे डैड ने भी यहाँ पर काम किया है, तो मैं भी आता था इधर साइड में घूमने के लिए और उनका काम वगैरह भी दिखता था, सबको अलाउ था। बट अभी जैसे फैमिली वगैरह रहती है तो गैस अभी उतना अलाउ नहीं है क्योंकि अभी ये हो गए पर्सनल क्वार्टर्स हैं उनके, तो हम उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। और गैस अभी हल्की हल्की सी बारिश चालू हो गई है। आज का लोकेशन कुछ इस तरीके से गैस, मुझे तो लगा था आज थोड़ा, जब भी गैस धूप निकली थी तो मुझे लगा था कि मौसम ठीक रहने वाला है, बट ऐसा हुआ नहीं है। थोड़ी देर में गैस यहाँ पे मेरे को ये वाले लोकेशन पर आते आते गैस मेरे को कम से कम 10 से 15 मिनट लगे, और 10 से 15 मिनट में गैस आप देख सकते हैं मौसम का हाल पूरी तरीके से क्या बोलते हैं उसको, बदनाम हो गया, मैं अच्छा समझ रहा था। और इसने गैस क्या बोलते हैं अब इसको, छोड़ो जाने दो। इधर से आज देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से एरिया हैं, मॉयल वाला एरिया तो गैस हम साइड से कवर कर दिए। ये आप भी देख रहे हो कि मैं किस तरीके के लोकेशन से गैस घुस के आया हूँ। इधर साइड में पूरा जंगल एरिया है और जंगल से मैं आया हूँ और अब गैस मैं जा रहा हूँ अपने साइकिल की ओर। मैंने साइकिल गैस काफ़ी ज़्यादा दूर पार्क कर दी है, उधर कोई लेके गया तो गैस मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो यहाँ से ये आप चेक मार सकते हैं, ये कुछ ऐसी लोकेशन है जहाँ से हमको अभी जाना है। आप भी देख सकते गैस ये ऐसी लोकेशन से मैं आया था और गैस कोई रास्ता भी नहीं था साइड से आने का, तो यही पास में रास्ता था। और पानी गैस चालू हो गया अभी, एक एक दो दो बूंद, तो यहाँ से मुझे जल्दी से जल्दी निकलना पड़ेगा। तो गैस कैमरा है गैस, कैमरे का तो मोबाइल को तो गैस थोड़ा प्रॉब्लम है, बाकी तो ट्राईपॉड वगैरह तो उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है, और इशू हम गीले हो जाएंगे वैसे तो इसी चीज़ का डर है। बाकी आप देख सकते हैं अभी मैं पूरा जंगल वाला एरिया में आ गया, पर ये इतना बड़ा जंगल नहीं है, कैसे नॉर्मल सही है। यहाँ पे छोटे छोटे पेड़ है बस, ये जो छोटे छोटे पेड़ हैं इन्हीं की वजह से ये रास्ता कुछ ऐसा हो गया है। बाकी गैस आपको एक चीज़ बता दूँ, आपने अभी तक के मेरे पिछले वाले ब्लॉग्स नहीं देखे हैं तो गैस उन सभी की ब्लॉग की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएंगी, आप वहाँ से भी देख सकते हो। और वहाँ से नहीं तो फिर आप चैनल भी चेकआउट कर सकते हो। अगर चैनल के गैस आपको वीडियोस पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, आप शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ में और मुझे सपोर्ट कर सकते हो। बाकी अभी गैस आगे में मेरी साइकिल पार्क है, तो मैं पहले साइकिल के पास में चले जाता हूँ और इधर साइड में आपको थोड़ा सा मैं एरिया दिखा देता हूँ। ये तो हो गया कॉलोनी वाला एरिया, अब आगे से दिखाता हूँ कि आगे में गैस मैं किधर साइड में, अब देख तो पा रहे हो कि गैस मैं कौन से रास्ते से गया हूँ, आप पीछे साइड में देख सकते हो। और ये आगे से कुछ इस तरीके से है साइकिल गैस, होपफुली मेरी साइकिल वहाँ पे खड़ी है। तो ये है कुछ इस तरीके से आज का सीन। और गैस आज का मौसम तो काफ़ी ठीक है, बट एक सीन हो रहा है कि बारिश वाला मौसम है गैस, कल पूरा दिन बारिश हुई तो मुझे डर है कि गैस आज भी बारिश हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और ये है यहाँ पर गैस मैंने अपनी साइकिल पार्क करके रखा था, ये भी पूरे जंगल एरिया में ही रखा था गैस, ये आप देख सकते हैं। इधर साइड से मैं आया था, इधर साइड में आगे में रास्ता है गैस, आपको उधर साइड से दिखा देता हूँ। ये इधर साइड से रास्ता है और यहाँ से ये व्यू कुछ ऐसा आता है, आगे में आप
बिल्डिंग्स देख पा रहे होगे ठीक से, आपसे दिख रहा होगा गाइस, ये देख सकते हैं आगे में बिल्डिंग्स हैं और ये हैं इस तरीके से गाइस आज का व्यू। और हम इधर कर रहे हैं ब्लॉग शूट। सो गाइस वीडियो को अभी तक के लाइक नहीं किया तो गाइस वीडियो को लाइक कर दो और दोस्तों के साथ में गाइस शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। ऐसे गाइस मैं इस तरीके के ब्लॉग इस चैनल के ऊपर लेके आता रहता हूँ, बाकी आपको क्या करना है तो आपको सभी को पता है। और मैं मिलता हूँ गाइस ऐसे किसी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।